नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण, सक्सेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आज फिर हाजिर हूँ आपके बीच में। दोस्तों, आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, सक्सेस कैसे हासिल करनी है, अपने प्रोफेशन में आगे कैसे बढ़ना है, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करवाना है। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो इन सब टॉपिक से थोड़ा अलग है, हटके है। आज हम पर्सनल सक्सेस की, मेरी और आपकी खुद की सक्सेस की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अपने देश की सक्सेस की। हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा देश उन दुश्मनों से कैसे बच सकता है जो घात लगाए बैठे हैं हमारे देश की इकोनॉमी पे, हमारे देश के धन संपत्ति पे, और हम एज अ सिटीजन अपने देश को कैसे बचा सकते हैं ऐसे चील, गिद्ध और भेड़ियों से। दोस्तों, आजकल आपने बहुत सारी एक्टिविटीज सुन भी रहे होंगे न्यूज चैनल्स में और देख भी रहे होंगे कि लद्दाख की जो हमारी सीमा लगी हुई है चाइना से, जो कि LAC है, वहां पे बहुत सारी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। हजारों की तादाद में सैनिक ले जाए जा रहे हैं चाइना की सेना के पास में, LAC के पास में। इवन अगर हम चाइना के सोशल मीडिया देखें तो वहां पे बहुत सारी वीडियोज आ रही हैं जहां पे उनके टैंकर्स, आर्मी टैंकर्स मूव कर रहे हैं उस एरिया में। तो चाइना ऐसा क्यों कर रहा है जब पूरी दुनिया एक महामारी से लड़ रही है, जब पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है, तो चाइना इस तरह की हलचल, इस तरह की गतिविधियों में क्यों लगा हुआ है? दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में जब चाइना में ऑलमोस्ट 28% जॉब्स जा चुकी हैं, वहां की फैक्ट्रीज ऑलमोस्ट बंद पड़ी हैं, वहां पे जो हालात हैं कि ऑलमोस्ट लोगों की नौकरियां और उनको खाने तक की दिक्कतें शुरू हो गई हैं, और साथ में पूरी दुनिया चाइना के अगेंस्ट लामबंद हो गई है। ऐसे में चाइना ने एक तरह से, मुझे लगता है, धमकाना शुरू कर दिया है, सिर्फ भारत को ही नहीं, साउथ चाइना सी में जो एक्टिविटीज हो रही हैं चाइना की, जिस तरह से वियतनाम को, हांगकांग को परेशान किया हुआ है चाइना ने, इवन जो साउथ कोरिया में तंग कर रहा है चाइना और जिस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, तो बेसिकली वो धमकाने की शायद कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी ना हो सके। दोस्तों, ज्यादातर अगर इस तरह की परेशानियां खास करके हमारे बॉर्डर एरियाज में आती हैं, तो जो हमारी एज अ सिटीजन सोच होती है कि हमारे सैनिक बैठे हैं ना, हमारे सैनिक उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, हमारे सैनिक उन्हें देख लेंगे, और जब हमारे हमारे रक्षा करने वाले शहीद होते हैं तो हम कैंडल मार्च लेके निकल जाते हैं, हम फूल चढ़ाने उनके शहीद यात्रा पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी क्या इतनी ही है कि हम अपने शहीदों के लिए सिर्फ नारे लगा सके, फूल चढ़ा सके और मोमबत्ती जला सके? क्या हम इससे बड़ा कुछ नहीं कर सकते अपने शहीदों के साथ? जिस तरह से अगर हम चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो जो भारत का डेफिसिट है वो 4 लाख करोड़ के आसपास का है चाइना से, जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं। ये जो 4 लाख करोड़ का पैसा है जो चाइना हमसे कमा रहा है, उसी पैसे से वो बंदूकें, तोपे और जहाज खरीदता है युद्ध के, जो हमारे सैनिकों को मारने के काम आते हैं। क्यों ना हम वो पैसा रोक दें जिससे वो हमारे सैनिकों को मारने के लिए हमसे ही पैसा लेके युद्ध के अलग अलग चीजें खरीद रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, बना रहे हैं। दोस्तों, आज मोदी जी भी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। हम अगर अपने ही स्वदेशी प्रोडक्ट्स बनाए हुए खरीदेंगे, हम चाइना का सामान लेना बंद कर देंगे, तो एक तो जो हमारे देश में कोरोना की वजह से, इस महामारी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैल रही है, नौकरियां जा रही हैं, तो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे देश के लोगों का कारोबार बढ़ेगा, और दूसरी तरफ चाइना को पैसा जाना बंद हो जाएगा, जिस पैसे का इस्तेमाल वो हमारे ही सैनिकों के खिलाफ करते हैं। तो ये दो तरफा मार होगी दोस्तों, एक तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा होगा और दूसरी तरफ चाइना को खत्म कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास मौका है दोस्तों, जब सारी दुनिया चाइना के अगेंस्ट खड़ी हुई है, जो कारोबार, जो व्यापार चाइना करता है, अगर हम कोशिशें करें तो वो हम अपने देश में ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें खुद अपनी आत्मनिर्भरता दुनिया के सामने साबित करनी होगी।
हमें अपने देश के प्रोडक्ट्स पहले खुद यूज करने होंगे, तब तो दुनिया यूज करेगी। अगर हम ही चाइना के लाए हुए प्रोडक्ट्स यूज करते रहेंगे तो दुनिया हमारे प्रोडक्ट्स पे कैसे निर्भर हो सकती है, कैसे विश्वास कर सकती है। तो दोस्तों आज से हमें ये मुहिम शुरू कर देनी है, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स। दोस्तों जो चाइना से सामान आ रहा है ये सिर्फ उन प्रोडक्ट्स के लिए ही हम लाखों करोड़ रुपया चाइना को नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा भी चाइना ने हमारे देश के हर मोबाइल पे कब्जा किया हुआ है। हमारे लैपटॉप्स, हमारे कंप्यूटर्स, हमारे सिस्टम्स, इवन हमारे बच्चों के दिमाग पे कब्जा किया हुआ है दोस्तों। और उस कब्जे से भी वो लाखों करोड़ रुपया ही नहीं कमा रहा है भारत से, वो एक जासूस बनके हमारे घरों में बैठा हुआ है, हमारे मोबाइल फोन्स में बैठा हुआ है, हमारे बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है। हमारे मोबाइल फोन्स चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के चाइनीज एप्स, जो कि टिकटॉक जैसे एप्स हो गए जो कि हमारे बच्चे यूज कर रहे हैं, चाहे वो तरह तरह के वीडियो गेम्स हो गए जो हमारे बच्चे चला रहे हैं, या फिर परचेज जो आइटम्स हैं जो हम सामान खरीद रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं शीन जैसी साइट्स पे, वो भी चाइनीज हैं दोस्तों। तो चाइना इतना ज्यादा हमारे देश में घुस चुका है, एक जासूस बन के हमारे घरों में बैठा है, कि अगर हमने इस चाइनीज जासूस को अपने घरों से नहीं निकाला तो वो कल को हमारे घर हमसे छीन सकता है दोस्तों। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने आई थी कि हमें इस चाइना की ताकत को खत्म करना है, जो हमारे खिलाफ ही हमारी ही ताकत को यूज कर रहा है। और अब हम स्वदेशी यूज करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, दुश्मन को नीचे गिराएंगे, खत्म करेंगे, धाराशाही करेंगे। और इसमें मुझे आपका साथ चाहिए दोस्तों। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट चाइनीज एप्स, बॉयकॉट चाइनीज मार्केटिंग साइट्स, बॉयकॉट चाइनीज वीडियो गेम्स। दोस्तों चाइना को बॉयकॉट करो, तब आप आगे बढ़ोगे, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, धन्यवाद, शब्द है। दोस्तों आज से हम चाइना का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हम सबको मिलके शपथ लेनी होगी, हम सबको मिलके कसम खानी होगी। और इसी से हम एक युद्ध लड़ सकते हैं अपने सैनिकों के साथ, कंधे से कंधा मिलाके चाइना के खिलाफ, उसकी गलत नीतियों के खिलाफ, उसकी घिनौनी साजिश के खिलाफ। दोस्तों आज मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहती थी और इसी के लिए आपके सामने आई थी।